Hey guys, so let's see what is Ankit Gupta's expectation of Priyanka. Priyanka ka expectation is bande se humne dekh liya hai. If you have not watched the video, you can go and watch it. Let's see. What is Ankit Gupta's expectation of Priyanka? आई जस्ट गॉट अ फीलिंग कि वो उसको बोल रहा है कि तुम मेरी नानी मत बनो, समथिंग लाइक दैट. ये सन का कार्ड हम शफल कर रहे थे तो भी आया था, सो इट डेफिनेटली मीन्स समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस. हियर थ्री ऑफ सोर्ड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स का कार्ड फिर से आया है. फर्स्ट वाला जो रीडिंग हमने किया था वहां पे भी पेज ऑफ कप्स का कार्ड था, लेकिन वो रिवर्स हो गया था. अब इस बंदे का एक्सपेक्टेशन बंदी से क्या है? सन का कार्ड है, थ्री ऑफ सोर्ड है, एंड देन यू हैव द क्वीन ऑफ कप्स. गिव मी अ मोमेंट गाइस, व्हाट डज दिस मीन? बंदे का एक्सपेक्टेशन बंदी से, द सन, मोर लाइक यू नो ब्रिंग क्लैरिटी टू समथिंग, बिकॉज सन कार्ड इज अबाउट क्लैरिटी. क्या इस बंदे को किसी चीज की क्लैरिटी चाहिए इस लड़की से? अब किस चीज की क्लैरिटी चाहिए? क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि इसका दिमाग कुछ लोगों ने खराब करके रखा हुआ है. दैट थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स था. लोग ड्रामा कर रहे हैं, इसको अपने इशारों पे नचा रहे हैं, मे बी इसका कान भर रहे हैं, यू नेवर नो. बट दिस गाय वॉन्ट्स सम काइंड ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम द गर्ल ऑन देयर रिलेशनशिप. पेज ऑफ कप्स, राइट? पेज ऑफ कप्स किस चीज का था? फर्स्ट वाली रीडिंग जो हमने की थी, तो यहां पे पेज ऑफ कप्स रिवर्स था, यानी कि रिलेशनशिप डायनामिक्स अभी बिगड़ी हुई है, रिलेशनशिप अलाइनमेंट में नहीं है. तो इस बंदे को किसी चीज पे क्लैरिटी चाहिए बंदी से, ऐसा लग रहा है. यस, कंटेम्पलेशन टाइम. एग्जैक्टली. स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग अपॉन वॉट यू ट्रूली डिजायर. एग्जैक्टली. तो यही चीज है, ये जो बंदा है ना, इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है. ओके, और इसको मोस्टली ऐसा पता नहीं क्यों इसकी, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी मैंने जब रीडिंग किया था तो मुझे इस तरह की वाइब्स आई थी कि ही इज काइंड ऑफ लुकिंग फॉर सम क्लैरिटी ऑन रिलेशनशिप. ठीक है, और इस तरह से कुछ है कि ये उसको ये बोलना चाहता है कि तुमको चाहिए क्या. अगर आप यहां पे देखो, ये इसका एक्सपेक्टेशन इस बंदी से है, और ये क्या देख रहा है कि वॉट यू ट्रूली वॉन्ट. मे बी इसको लगता है कि वॉट यू ट्रूली डिजायर. मे बी इसे लगता है कि इट्स मोर लाइक वॉट यू वॉन्ट. क्या तुमको अपना करियर चाहिए, या फिर तुमको पेज ऑफ कप्स इज डेफिनेटली अबाउट रिलेशनशिप. यहाँ पे ये पहले भी आया है, तो इसे शायद कहीं ना कहीं ये लगता है कि बंदी इज नॉट टोटली इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप. आप समझ रहे हो? बंदी मैंने कि इसीलिए तो ये क्वेश्चन उससे पूछ रहा है ना कि वॉट यू ट्रूली वॉन्ट, वॉट यू ट्रूली डिजायर, डू यू वॉन्ट दिस रिलेशनशिप और नॉट. तो अगर है तो तुम इस पे कुछ शायद हमें पता है कि उसको किसी ने बरगला दिया है, कोई तो उसको अपनी इशारों पे नचा रहा है. ठीक है, देर इज अ स्ट्रांग डेविल एनर्जी, देर इज अ स्ट्रांग गॉसिप एनर्जी, देर इज अ स्ट्रांग ड्रामा एनर्जी. तो वहां से शायद कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि लोगों के भड़काने के कारण ये थोड़ा या क्या बोलूं, ये इसका इस तरह की एनर्जी हो गई है
कि ये बंदी से पूछना चाहता है कि तुमको सच में क्या चाहिए। अब एक तो डेफिनेटली इसकी रिलेशनशिप है, और दूसरा चीज क्या है मुझे यहां पे समझ नहीं आ रहा है। आई वंडर इफ दिस कुड बी हर पास्ट रिलेशनशिप, मे बी यू नो लाइक शी इज हर्ट, मे बी इस बंदे को ऐसा लगता है कि अगर इस बंदी का कुछ पहले का रिलेशनशिप था तो वो हर्ट हुआ है, तो उससे बाहर निकलना चाहिए तुमको अभी, या उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, यू नो समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग। इट्स लाइक यू स्टार्ट बीइंग हैप्पी, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट हर्ट, ओके, विच कीप्स यू सैड, ओके, दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये क्वीन ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स है। इनकी रिलेशनशिप तो डेफिनेटली देखो अच्छी है, काफ़ी मोर लाइक अ मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप है, क्योंकि शी इज इन कप्स, दिस गाय इज, द रिलेशनशिप इज इन कप्स एंड दिस गाय इज ऑल्सो कप्स। तो कप की एनर्जी है, यानी कि एक दूसरे से प्यार और वो सब चीज़ तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के कारण रिलेशनशिप मिसअलाइंड हो गई है, और ये बंदा है कि वो उसको कुछ इस तरह की ना ऑप्शंस देना चाह रहा है कि तुमको चाहिए क्या, व्हाट डू यू टू रियली वांट, डू यू वांट दिस रिलेशनशिप और यू जस्ट वांट टू थिंक अबाउट द पास्ट। अब यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, बट बेसिकली वो उसको बोल रहा है कि जो भी हर्ट तुमको होता है ना, तुम, इट्स मोर लाइक कि तुमको ये रिलेशनशिप चाहिए या फिर तुमको पास्ट का हर्ट चाहिए, तुम वो पास्ट की चीजें भूल जाओ, समथिंग लाइक दैट, ओके या क्या बेसिकली बोल रहा है इसको। थ्री ऑफ सोर्ड, कैन वी प्लीज हैव द क्लैरिफायर फॉर थ्री ऑफ सोर्ड डियर एंजल्स, व्हाट इज दिस पर्सन टेलिंग हर टू फॉरगेट एंड हील। बेसिकली वो उसको बोल रहा है कि कोई हर्ट जो है ना तुमको, तुम उसको भूल जाओ, जस्टिस इन रिवर्स, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, समथिंग लाइक दैट। वॉट यू ट्रूली डिजायर, डू यू लाइक, डू यू वॉन्ट टू बी हैप्पी और डू यू वॉन्ट टू बी ग्रीविंग द पास्ट, वॉट यू ट्रूली डिजायर, यही तो है। तुमको क्या चाहिए, तुम खुश क्यों नहीं हो, या फिर समथिंग लाइक दिस गाइज, ओके, लाइक डू यू वॉन्ट दिस रिलेशनशिप, तो फॉरगेट द पास्ट, और फॉरगेट द पास्ट हर्ट। अब दिस कुड बी द हर्ट इन देयर ओन रिलेशनशिप में भी, पर मुझे ज़्यादातर तो ये लग रहा है पास्ट का ही कुछ है जो कि ये बंदा बोल रहा है कि तुम भूल जाओ उसको। अब पास्ट का कौन सा हर्ट है इसका, ये रोमांटिक रिलेशनशिप का हर्ट है या कुछ और है, देर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स हियर, बट एक स्ट्रांग एनर्जी जो ये आ रही है वो ये है कि ये बंदा उस बंदी से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यू नो यू मेक अ चॉइस कि तुमको ये रिलेशनशिप चाहिए तो हैप्पी हो जाओ और पास्ट को भूल जाओ। ये एंड मोर लाइक यू नो स्टॉप फोकसिंग ऑन द पास्ट, क्योंकि अगर आप यहां पे ये देख रहे हो, सो दिस क्वीन ऑफ कप्स फोकसेस इन द पास्ट, बट ही वॉन्ट्स हर टू फोकस इन फ्यूचर ऑन देयर रिलेशनशिप। आई डोंट नो वाई ही थिंक्स लाइक दिस, मे बी बिकॉज कुछ लोगों ने इसको भड़काया है, शायद इसीलिए सोचता है ऐसा, बट क्या है आई हैव नो आइडिया। बट इसका एक्सपेक्टेशन इससे ही, इस बंदी से, एज इन अंकित का एक्सपेक्टेशन प्रियंका से ये है कि समय आ गया है कि आप यू नो यू कंटेम्पलेट एंड डिसाइड, व्हाट डू यू वांट, डू यू वांट दिस रिलेशनशिप
अगर रिलेशनशिप चाहिए तो लेट्स ब्रिंग मोर क्लैरिटी टू आवर रिलेशनशिप, आवर रिलेशनशिप स्टेटस, पास्ट के जो हर्ट हैं उसको भूल जाओ और फ्यूचर के बारे में सोचो, समथिंग लाइक दिस. अब ये क्यों बोल रहा है उसको, क्या है, क्यों ऐसे है? एक चीज़ तो हमें डेफिनेटली पता है कि कुछ लोग हैं जो इसको यू नो ड्रामा करके चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं. तो मे बी दिस बंदा इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ड्रामा और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है यहाँ पे, है ना? क्योंकि यहाँ पे भी देखो जो इनकी रिलेशनशिप की रीडिंग की है ना, वहाँ पे क्या है, डेथ एंड रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ. अभी ये बंदा जो भी उसको अल्टीमेटम दे रहा है कि तुम अब सोचो, कॉन्टेम्पलेट करो कि तुमको क्या चाहिए रियली, तो ये भी एक तरह का अल्टीमेटम ही है, चॉइस बिटवीन डेथ एंड रीबर्थ. अगर तुमको रिलेशनशिप चाहिए तो वी विल टॉक अबाउट इट, अगर तुमको रिलेशनशिप चाहिए तो फिर लेट्स मेक इट हैप्पी डैपी, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, मूव फॉरवर्ड, तब हम लोग रीबर्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो इट विल गो टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज. तो ये बंदा का ये है ना एक्सपेक्टेशन है इससे. अब मुझे तो कार्ड से यही समझ में आ रहा है, आप लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा 3D का मीडिया से, तो आप शायद इस एनर्जीज को, ये जो इन्फॉर्मेशन डिवाइन गाइडेंस आया है, इसको आप बेटर यू नो बैठा सकते हो उस एनर्जी पे. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. अब ये पास्ट हर्ट से उसको निकलने के लिए बोल रहा है. अब किस तरह का पास्ट का हर्ट है, क्या इसका अपना कोई रिलेशनशिप था पास्ट में, या फिर इनका ही पास्ट का कुछ है? मुझे तो लग रहा है कि पास्ट का कुछ इसका इसका दिमाग किसी ने ख़राब किया है, ऐसा लग रहा है मुझे. और ये है. सो एनीवेज दिस इज़ व्हाट इट इज़. आई थिंक यू कैन मेक अ बेटर सेंस ऑफ द एनर्जी रीड दैट आई हैव डन ओवर हियर. सो Do let me know what, how it makes sense, it doesn't make sense, what is it, and I will see you again. Take care and bye for now.